हेलो फ्रेंड्स, रेडोन ग्रो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हाइड्रोपोनिक न्यूट्रिएंट रेडोन ग्रो का जो है फ्रूटी सीरीज है। हालांकि हमारा अलग अलग तीन अलग अलग न्यूट्रिएंट हमारे पास अवेलेबल है, फ्रूटी, लीफी और ब्लॉसम, लेकिन आज हम बात करेंगे फ्रूटी सीरीज के बारे में। तो तीन सीरीज एक्चुअली अवेलेबल है, एक फ्रूटी 750 करके है जिसके अंदर 250 ग्राम के तीन पैकेट आएंगे, दूसरा जो है वो है फ्रूटी 3000 करके है, इसके अंदर एक एक किलो के तीन पैकेट आएंगे, और जो तीसरा है हमारा लिक्विड जो आता है ग्रो माइक्रोब्लूम का, एक एक लीटर का पैकेट है। तो तीनों में फर्क क्या है और क्या क्या क्वांटिटी आएगा, कैसे यूज करना है और क्या क्या लेना है, वो तीनों चीज आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, न्यूट्रिएंट कैसे बनाएंगे, उसको कैसे यूज करेंगे, वो पूरा अभी हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, तीनों पैकेट मैंने खोल दिए है। तीनों पैकेट के अंदर इस तरह का यूजर गाइड साथ में ही आएगा। अगर आपका ये यूजर गाइड मिस हो जाता है तो आप हमारे कस्टमर केयर का जो नंबर है जो मैंने यहाँ पर दिया हुआ है नीचे, वहाँ पर 7202041100 पे बात करके आप मंगा सकते हैं। तो फ्रूटी 750, फ्रूटी 3000 और फ्रूटी GMB 3L में क्या फ़र्क है। बेसिक कॉमन चीज़ है कि तीनों के अंदर ग्रो, माइक्रो और ब्लूम तीनों न्यूट्रिएंट आता है। फर्क क्या है कि अगर हम इसमें से पहले आपको लिक्विड कॉन्सेंट्रेट लिक्विड बनाना है 3 लीटर, 1 लीटर ग्रो बनेगा, 1 लीटर माइक्रो बनेगा और 1 लीटर ब्लूम बनेगा। अगर मैं फ्रूटी 3000 की बात करेंगे तो 4 लीटर माइक्रो बनेगा, 4 लीटर ग्रो बनेगा और 4 लीटर ब्लूम बनेगा। और अगर मैं फ्रूटी GMB 3L लिक्विड की बात करेंगे तो ये रेडीमेड लिक्विड साथ में ही आते हैं। तो ये बोल सकते हैं कि इसमें और इसमें दोनों सेम ही है, ये पाउडर फॉर्म में है, ये लिक्विड फॉर्म में, इतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। इसमें से अगर हम बात करेंगे तो इसमें से 12 लीटर, 4 लीटर ग्रो बनेगा, 4 लीटर माइक्रो बनेगा, 4 लीटर ब्लूम बनेगा। तो पहले तो हम ये आज देख लेते हैं कि किस तरह से लिक्विड बनाना, ये तो रेडीमेड है तो सीधा आप यूजर गाइड को फॉलो कर सकते हैं। मैं आगे बताऊंगा कि किस तरह से आप मेंटेन भी कर सकते हैं, किस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। तो पहले ये देख लेते हैं लिक्विड कैसे बनेगा। तो फर्स्ट हम लोग इसमें से एक एक लीटर का तीन लिक्विड बना देते हैं, सेम ये 4-4 लीटर बनेगा, लेकिन हम एग्जांपल के तौर पे इसको एक बार। तो पहले जो फ्रूटी 750 जो न्यूट्रिएंट है उसमें से हम लोग एक बनाएंगे, 1 लीटर का सॉल्यूशन कैसे बनाना है वो पूरा आपको बता देंगे। इस तरह से ग्रो, माइक्रो और ब्लूम तीन पैकेट आपको बनाना है। अभी आप देखेंगे तो बहुत बार इस तरह से थोड़ा सा सॉलिडिफाइड हो जाता है कभी कभी मटेरियल, क्योंकि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स रहते हैं उसके अंदर भी इनबाउंड मॉइस्चर रहता है। तो कभी कभी हो सकता है कि आपको कभी जेली जैसा लगे या कभी सेमी सॉलिड लगे, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी ये मॉइस्चर के कारण ही होता है और हमको इस जो सारा मटेरियल है वो पानी के अंदर भी डालना है, तो उसका एक्सपायरी या उसका इंग्रेडिएंट्स में कोई चेंजेस नहीं होता है। इसके अंदर एक्सपायरी लिखी हुई रहती है 5 साल की, जनरली 5 साल के बाद भी ये सेफ है। तो पहले हम इसको 1 लीटर बनाने के लिए ओपन करके किस तरह से इसको बनाना है वो पूरा देख लेते हैं। इसके अंदर किस तरह से मैंने पूरा पाउडर फॉर्म डाल दिया है और अभी इसके अंदर यहाँ पर 1 लीटर का मार्किंग है, तो उतना ही पानी ऐड करेंगे। इस तरह से आप देखेंगे तो यहाँ 1 लीटर के मार्किंग तक पानी भर लिया है, इसको मिक्स कर दे बराबर। तो 1 लीटर का वॉल्यूम अभी हो गया है, इसको प्रॉपरली मिक्स करना पड़ेगा। हम मिक्स करने के लिए 10 से 15 मिनट भी लग सकता है, क्योंकि ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। तो इस तरह से आप उसको प्रॉपरली मिक्स कर दे, पूरा मिक्स हो जाना चाहिए। आप नीचे देखेंगे तो इसमें अभी बहुत से लोग ये सोचेंगे कि अगर मेरे पास 1 लीटर का मेजरिंग मग नहीं है तो क्या करना है। तो मार्केट में आप जानते हैं इस तरह के मिनरल वाटर्स के जो बॉटल होते हैं वो भी आप यूज कर सकते हैं, मिनरल वाटर्स के बॉटल। अगर एक मेरे पास ये मिनरल वाटर जो है बॉटल, पानी का बॉटल जो मार्केट में मिलता है वो है, इस तरह का 1 लीटर का बॉटल ले सकते हैं।
और पहले क्या करें कि थोड़ा सा पानी ले आधे लीटर जितना पानी, आपका आपका जो न्यूट्रिएंट है 250-250 ग्राम, वो 250 ग्राम को पूरे से डिजॉल्व कर दे। डिजॉल्व होने के बाद इसके अंदर शिफ्ट कर दे उसको, और बाकी का जो पानी का वॉल्यूम आपको मेकअप करना है या जितना 1 लीटर होता है उतना पानी आप उसको वॉल्यूम सेट कर दे, तो ये आपका 1 लीटर ग्रो हो जाएगा। ग्रो, माइक्रो, ग्रूम तीनों को डिफरेंट डिफरेंट बॉटल में आपको स्टोर करना है। एक चीज हमेशा ध्यान रखें, तीनों को कभी भी कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में मिक्स नहीं करना है। तो ये यहाँ पर ऑलमोस्ट भूल चुका है, अभी भी थोड़ा सा बाकी है, तब तक मैं इसमें दूसरा एक सॉल्यूशन बना देता हूँ। ग्रो माइक्रो जो जिसको बोलते हैं, ये थोड़ा सा इस तरह सा दानेदार रहता है, इसके अंदर सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं और कैल्शियम भी रहता है, कैल्शियम भी रहेगा, पोटेशियम भी रहेगा, इस तरह से इसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। ये मैंने अलग अलग बॉटल्स 1 लीटर का मेजरिंग के लिए यहाँ जस्ट आपको बताने के लिए रखा है। अगर आपके पास मेजरिंग सिलेंडर नहीं है तो आप इस तरह के पानी का बोतल जो रहता है वो 1 लीटर का ही आता है, उससे भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा बहुत अगर प्लस माइनस होता है वॉल्यूम तो उससे ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि 1 लीटर पानी लेना है या 1 लीटर टोटल वॉल्यूम बनाना है। अगर आप 1 लीटर पानी लोगे तो भी चलेगा, 50 से 100 ml का फर्क पड़ेगा, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपके पास TDS मीटर नहीं है और आप TDS नहीं मेंटेन करने वाले हैं तो टोटल वॉल्यूम आप 1 लीटर कर दीजिए, तो उतना ही पानी डालिए कि ताकि आपका जो टोटल वॉल्यूम है वो 1 लीटर हो जाए। तो यहाँ पर मैं ये दूसरा भी आपको 1 लीटर बना लिया है। तो चलिए, इस ये हमारा सॉल्यूशन रेडी है, पहला सॉल्यूशन जस्ट इसको इस तरह से आपने बना दिया है। तो तीनों को इस तरह के बॉटल में, प्लास्टिक के बॉटल में ट्रांसफर कर ले, मेटल का कोई भी मेटल का बॉटल यूज ना करे, मेटल उससे के साथ रिएक्ट कर सकता है। तो ज्यादातर जो हमारे यूजर्स है उनको जो डाउट्स रहता है वो ये है कि न्यूट्रिएंट कब कब चेंज करना है। तो अभी यहाँ पर आप देखेंगे तो ये यूजर गाइड साथ में दिया है और ऊपर क्लियर लिखा है, अगर 250 ग्राम है आपका तो आपको 1 लीटर कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन बनाना है। अगर आपका 1 किलो का पैकेट है तो 4 लीटर ग्रो, 4 लीटर माइक्रो और 4 लीटर ब्लूम बनाना है। अगर आप लिक्विड फॉर्म में लेके आते हो तो ऊपर का कोई आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है इंस्ट्रक्शन, आप सीधा टेबल देखें, यहाँ पर 2 टेबल दिए हुए हैं। एक जो टेबल है वो है फ्रूटी सीरीज फीडिंग शेड्यूल करके है, जिसमें 2 चीज दिया हुआ, एक हॉबी लेवल के लिए है और एक एक्सपर्ट लेवल के लिए। अगर आप फर्स्ट टाइम हाइड्रोपोनिक हॉबी परपस कर रहे हैं या ट्राई कर रहे हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप ये हॉबीस्ट लेवल का एक यहाँ पर जो शेड्यूल दिया है वो फॉलो करिए। दूसरा एक सबसे बड़ी चीज यही है कि ये जो ग्रो माइक्रो ब्रूम का जो सीरीज है उससे आप कोई भी क्रॉप ग्रो कर सकते हैं। अगर आपको लीफी क्रॉप ग्रो करना है तो यहाँ पर देखेंगे कि उसको यहाँ शेड्यूल दिया है लीफी ग्रीन्स प्लांट हर्ब। तो अगर आपको लीफी ग्रो करना है तो 3 ml ग्रो लीजिए, 3 ml माइक्रो लीजिए और 2 ml ब्लूम लीजिए। 1 लीटर पानी में इतना डालना है। अगर आपका 10 लीटर का वॉल्यूम है तो 30 ml ग्रो डालिए, 30 ml माइक्रो डालिए, 30 ml ब्लूम डालिए और उसको प्रॉपरली वन बाय वन एड करके मिक्स करिए और फिर उसको यूज करिए। ये अपना जो फ्रूटी सीरीज है वो आप कोकोपीट में भी यूज कर सकते हैं, एरोपोनिक में यूज कर सकते हैं, हाइड्रोपोनिक में यूज कर सकते हैं, तो तीनों चीज चलेगा। हाइड्रोपोनिक में जैसे हम NFT की बात करेंगे, डीप वाटर कल्चर की बात करेंगे, एब एंड फ्लो की बात करेंगे, तो हर जगह पे आप ये ग्रो माइक्रो ब्लूम का जो सीरीज है आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये यहाँ पर तैयार हो चुका है, डिसॉल्व हो चुका है, मैं इसको यहाँ पर शिफ्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे इसको भी मैंने 1 लीटर यूज कर लिया है।
अगर आप लकड़े की डंडी भी यूज कर सकते हैं, प्लास्टिक भी यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा ये कह लीजिए कि जब भी माइक्रो वाला अगर आपका बर्तन है, अगर आपने माइक्रो बनाया और उसी बर्तन में अगर आपको ग्रो और ब्लूम बनाना है, तो फिर आपको इसको पहले एक बार क्लीन कर लीजिए और उसके बाद ही आप उसमें बनाइए। अभी चलिए ये तो हमारा मिक्सर बन गया है, मैं आपको इसको यूज करने की एक गति कैसे यूज करना है वो एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ। कि जैसे ये मेरा 5 लीटर का है, मैं इसमें और ऐड कर देता हूँ पानी और इसको 5 लीटर वॉल्यूम बना। यहाँ पर मैं 5 लीटर एक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन अगर इस तरह से बना सकते हैं आप, वो एक छोटा सा डेमो आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर 5 लीटर आरओ वाटर लिया हुआ है। न्यूट्रिएंट्स हमेशा आरओ वाटर में ही बनाए, आरओ वाटर यूज कर सकते हैं, बारिश का पानी यूज कर सकते हैं, एसी में से जो कंडेंसेट निकलता है वो भी आप यूज कर सकते हैं। कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन बनाने के लिए भी आरओ वाटर यूज करें और प्लांट को ग्रो करने के लिए भी आरओ वाटर यूज करें, रेन वाटर भी यूज कर सकते हैं, एसी का पानी भी यूज कर सकते हैं। अभी यहाँ पर जिस तरह अगर आपने यहाँ चार्ट किया हुआ है, तो मैं मल्टीपल मिक्स प्लांट जो है, मल्टीपल मिक्स प्लांट उसकी एक रेसिपी है, 2.5 ml ग्रो, 2.5 ml ग्रो, 2.5 ml माइक्रो और 2.5 ml ब्लू है डाल रहा है। अभी आप देखेंगे यहाँ पर 5 लीटर का वॉल्यूम है, तो 5 लीटर न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन कैसे बना सकते हैं यूज करने के लिए फाइनल सॉल्यूशन, उसका एक आपको छोटा सा डेमो दिखा देते हैं। 5 लीटर आरओ वाटर है, ऑलवेज ध्यान रखिए आपका न्यूट्रिएंट भी बनाते हो या इसको स्टॉक सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, तो स्टॉक सॉल्यूशन बनाते हो तो आरओ वाटर यूज करिए या फिर डिस्टिल वाटर भी यूज कर सकते हैं आप, रेन वाटर भी यूज कर सकते हैं और एसी का जो कंडेंसेट निकलता है वो भी यूज कर सकते हैं। प्लांट के लिए जो न्यूट्रिएंट बनाएंगे या प्लांट ग्रो करने के लिए जो पानी यूज कर सकते हैं वो भी इसी में से कोई पानी यूज करना चाहिए, रॉ वाटर बोरवेल का पानी नहीं यूज करना चाहिए। इन शॉर्ट अगर आपका टीडीएस 80 के 100 के बीच में है वो पानी आप यूज कर सकते हैं। 30 पानी का जो टीडीएस है वो 50 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, जनरली आरओ वाटर है हमारे पास उसका 30 टीडीएस है, 30 टीडीएस है। अगर मैं इसका अभी पीएच देखूंगा तो वो लगभग 7 के आसपास दिखा रहा है। तो न्यूट्रिएंट ऐड करने से पहले उसका क्या पीएच है उसका आपको जरा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। यूजर गाइड में जो दिया है मल्टीपल मिक्स प्लांट, तो उसके लिए न्यूट्रिएंट कैसे बनाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। 2.5 ml ग्रो लेना है, 2.5 ml माइक्रो लेना है और 2.5 ml ब्लू लेना है 1 लीटर में, लेकिन ये हमारा 5 लीटर है तो 2.5 मल्टीप्लाई बाय 5 लीटर इक्वल टू 12.5, 12.5 लीटर हमको न्यूट्रिएंट ग्रो लेना है। तो यहाँ पर ये ग्रो है, ये हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर है, अगर ये आपके पास नहीं है तो आपको मार्केट में जो साइंटिफिक स्टोर रहते हैं वहां पर भी मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैं अगर 12.5 थोड़ा ज्यादा हो गया तो थोड़ा कम कर देता हूँ वापस, तो ये अगर आप देखेंगे तो मुझे इतना एक्यूरेसी मालूम नहीं पड़ रहा है ये 12 है या 13 है, तो उससे ज्यादा आपको फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 1 ml प्लस माइनस होगा। ये मैंने 12.5 ml इसमें डाल दिया है, वो 13 भी हो सकता है। ये पूरा घुलने दीजिए, घुलना चाहिए। उसी तरह से मैं ये दूसरा एक सॉल्यूशन ले लेता हूँ, ये भी मेरा लगभग 13 ml हो गया। अभी इसको मैं पहले मिक्स कर लेता हूँ, फिर इसके अंदर दूसरा एक न्यूट्रिएंट डाल देता हूँ। कभी भी आप जब भी स्टॉक सॉल्यूशन जब भी आप यूज करते हो तो उसको पहले प्रॉपर मिक्स जरूर करें और फिर उसमें ले। ये भी मैंने लगभग 13 ml जितना ले लिया है, ये थोड़ा सा हल्का सा रेड कलर का है, आप चाहे तो इसके अंदर वापस न्यूट्रिएंट पानी डाल के थोड़ा सा इसको हिला के ले सकते हैं, अभी इसको मिक्स कर लीजिए। तो ये आपका न्यूट्रिएंट तैयार हो चुका है। तो इसका हम पीएच चेक कर लेते हैं, अगर आप पीएच चेक करेंगे तो जनरली 6 पीएच होगा इसका और बाय डिफॉल्ट आई जाना चाहिए, अगर भी हम इस अभी देखेंगे तो इसका आप देखेंगे कंपैरिजन तो 6 पीएच दिखा रहा है, मतलब ये बाय डिफॉल्ट 6 पीएच आ जाएगा। अभी हम कुछ सवाल के जवाब दे देते हैं कि जो हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। तो पहला सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि टीडीएस मीटर नहीं है हमारे पास तो क्या करें। अगर आपके पास टीडीएस मीटर नहीं है तो आप जो यूजर गाइड दिया है वो यूजर गाइड को फॉलो करिए और उतना न्यूट्रिएंट ऐड कर दीजिए, ठीक है,
और आपका जो पानी है या न्यूट्रिएंट है वो एटलीस्ट महीने में एक बार पूरा चेंज कर लीजिए। अगर आपके प्लांट बहुत ही ज्यादा है, जैसे अगर आपका 5 लीटर का मेरा ये न्यूट्रिएंट है, तो मैं इस पानी को एटलीस्ट 10 प्लांट के लिए यूज कर सकता हूँ। तो टीडीएस मीटर अगर आपके पास नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी यहाँ टीडीएस मीटर नहीं लेके आया हूँ, सिर्फ मैं इस यूजर गाइड आपको फॉलो करने के लिए बोलता हूँ। आप सिर्फ यूजर गाइड फॉलो करिए और आपके मल्टीपल मिक्स प्लांट हो जाएंगे। 5 लीटर अगर आपका रिजर्वेयर का या सिस्टम में 5 लीटर न्यूट्रिएंट है तो आप उसमें मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स 10 प्लांट ग्रो करिए और महीने में एक बार चेंज कर दीजिए। अगर आप 10 की जगह पे 20 प्लांट ग्रो कर रहे हो तो 15 से 20 दिन में एक बार पूरा न्यूट्रिएंट चेंज कर दीजिए, फिर से नया बना दीजिए। दूसरा चीज ये है कि अगर आपके पास टीडीएस मीटर है, तो डेफिनेटली आप टीडीएस चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरा टीडीएस कम है, ये तीनों यूजर गाइड के हिसाब से आपने ऐड कर दिया है, फिर भी अगर आपको टीडीएस थोड़ा सा कम दिखा रहा है, तो आप और न्यूट्रिएंट रेशियो के हिसाब से ऐड करके आप अपना डिजायर टीडीएस सेट कर सकते हैं। अभी जो हमारे पास सबसे ज्यादा सवाल आते हैं कि यहाँ एक्सपर्ट लेवल का एक फॉर्म दिया है, एक्सपर्ट लेवल का, उसमें आप देखेंगे तो कटिंग्स एंड सीडलिंग्स दिया है। तो कटिंग्स एंड सीडलिंग्स के लिए जब आप 0.4 ml ग्रो माइक्रो ग्रूम ईच जब दो तीनों लेते हैं तो आपका जो टीडीएस है रफली 100 या 100 टू 150 के आसपास रहेगा। वो टीडीएस देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और कटिंग्स के लिए जब आप न्यूट्रिएंट बनाते हो तो प्लांट को वीक में एक बार ही देना है, वो भी कब, जर्मिनेशन हो जाने के बाद। जर्मिनेशन से पहले कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं यूज करना है, जर्मिनेशन के बाद आप ये कटिंग्स और सीडलिंग्स वाला वंस इन ए वीक यूज करिए। इस तरह से 2 वीक में आपके सीडलिंग्स तैयार हो जाएंगे, तो मतलब 2 वीक में आप 3 बार मैक्सिमम आपको यूज करना है, ठीक है। दूसरा है जनरल पर्पस और अर्ली ग्रोथ, मतलब आप जब ये जनरल पर्पस वाला या अर्ली ग्रोथ वाला जो स्मॉल प्लांट है उसके लिए जब आप ये फॉर्मेट या टेबल फॉलो करते हो तो उस टाइम पे आपका जो टीडीएस है रफली 400 के आसपास रहेगा, प्लस और माइनस 50 ppm रहता है। हम आगे एपिसोड बनाएंगे हर एक डिटेल में, ppm, टीडीएस, ईसी, उसके ऊपर डिटेल में वीडियो जरूर बनाएंगे। तीसरा है ट्रांजिट टू ब्लूम, तो जिस तरह से आपका स्टेज बढ़ता जाएगा ppm या टीडीएस उसका बढ़ता जाएगा न्यूट्रिएंट का, तो वो आप मेंशन करके रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके क्रॉप को 1000 ppm चाहिए तो 1000 ppm आप और न्यूट्रिएंट ऐड कर दीजिए और 1000 ppm टीडीएस लेके आ जाइए। बहुत लोग ईसी चेक करते हैं, तो हमारा जो न्यूट्रिएंट का जो हमने डिजाइन किया है वो ppm के हिसाब से किया है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप ppm फॉलो जरूर करें। ईसी अगर आपके पास ईसी मीटर है तो मैं आपको वापस बता देता हूँ, 1 EC = 500 ppm TDS होता है। तो दूसरा हमारा जो हमारे पास जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कि कितना टेम्परेचर रखना है, तो टेम्परेचर एक बहुत क्रिटिकल पैरामीटर्स है, हम उसके ऊपर भी एक जरूर वीडियो बनाएंगे। तो आपको मैं बता दूं कि आपको टेम्परेचर जो है आपका पानी का 28 डिग्री से ऊपर नहीं लेके जाना चाहिए। अगर उससे ज्यादा टेम्परेचर है तो कभी भी आपके प्लांट में प्रॉब्लम्स आने की पॉसिबिलिटीज है, वो प्लांट में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, रूट रॉट का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है। टीडीएस मीटर नहीं है तो मित्रों मैं वापस बोल देता हूँ आपको, आप जस्ट यूजर गाइड फॉलो करिए। बहुत फोटोज हमारे पास आते हैं तो वो बोलते हैं कि आपका न्यूट्रिएंट यूज किया है और ये प्लांट में प्रॉब्लम आ रही है, तो बहुत सारा बार ऐसा होता है कि वो पेस्ट प्रॉब्लम है, यानी कि कुछ कीड़े लग गए या उसको कुछ डिजीज हो गया है। तो डिजीज हो गया है तो वो न्यूट्रिएंट के कारण नहीं होता है, वो जनरली आपका कुछ भी कंडीशन जब होता है अनफेवरेबल तो प्लांट में डिजीज हो जाता है। पेस्ट जीव जंतु कुछ भी आता है, कीड़े, तो उसके लिए आपको पेस्टिसाइड, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड या केमिकल पेस्टिसाइड आपको यूज करना पड़ेगा। आगे डिटेल में हम पूरे न्यूट्रिएंट के ऊपर वीडियो बनाएंगे जरूर से। तो ये जस्ट कैसे यूज करना है उसका एक सिंपल वीडियो था। दूसरा एक जो क्वेश्चन है कि अगर आपको टॉपअप करना है तो कैसे करें। अगर आपके पास टीडीएस मीटर है तो पहले ये करिए कि जब वॉल्यूम कम हो जाता है, हर 2-3 दिन में आप उसका वॉल्यूम मेकअप कर लिए, पानी का टॉपअप कर लीजिए। पानी ऐड करने के बाद टीडीएस जितना बढ़ाना है उतना ही न्यूट्रिएंट का रेशियो मेंटेन करके आप ऐड कर दीजिए। तो जनरली अगर आपके पास टीडीएस मीटर नहीं है और आपको न्यूट्रिएंट बार बार चेंज नहीं करना है, तो अगर 2 महीने में एक बार चेंज करना चाहते हैं आप न्यूट्रिएंट, तो आप एवरी वीक 20% 20-25% न्यूट्रिएंट ऐड करते जाइए और आप 2 महीने में एक बार चेंज कर लीजिए। लेकिन मैं आपको वापस
बताना चाहूंगा, अगर आपके पास टीडीएस मीटर नहीं है तो एक बार जब आपने फॉलो कर लिया है यूजर गाइड, उतना न्यूट्रिएंट ऐड कर दीजिए, महीने में एक बार न्यूट्रिएंट चेंज कर दीजिए। टीडीएस मीटर है तो आप टीडीएस मेंटेन कर सकते हैं। टीडीएस बढ़ाने के लिए आपको न्यूट्रिएंट ऐड करना पड़ेगा, टीडीएस कम करने के लिए आपको आरओ वाटर बाहर से ऐड करना पड़ेगा। ये उसका सिंपल कैलकुलेशन है। धन्यवाद। आपको कोई भी क्वेश्चन है तो हमारे यहाँ पर हमने ये नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप का, तो हमारा कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो फ्रूटी सीरीज है, तो फ्रूटी सीरीज इसके लिए बनाया है कि उसमें मैंने जैसे आगे भी बताया कि आप दुनिया के 99% कोई भी टाइप के प्लांट आप ग्रो कर सकते हैं। ज्यादातर जब टोमेटो, कैप्सिकम, कुकुम्बर जैसे प्लांट है उसमें ये न्यूट्रिएंट ज्यादा यूज होता है। हालांकि इसमें आप लीफी ग्रीन्स भी ग्रो कर सकते हैं, माइक्रोग्रीन भी ग्रो कर सकते हैं, फ्लावरिंग प्लांट भी ग्रो कर सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू।